स्वागत है आपका ऑटो अल्फाज की एक नई वीडियो में। और ये वीडियो है दोस्तों पीपीएफ के ऊपर। तो अपन क्या करते हैं, नई बाइक लेते ही उसका पेंट प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीएफ कराने के लिए जाते हैं। तो मैंने भी पीपीएफ करवाया इस पर, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस पीपीएफ का वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। और कितने की हुई पीपीएफ वो भी मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें कहाँ से करवाई और इसमें क्या गड़बड़ हुई पीपीएफ में, तो इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा और आप भी सतर्क हो जाएंगे कि जो गलती मैंने करी है वो आप ना करें। तो भाई ये पीपीएफ कराई थी मैंने करोल बाग से, और जहाँ से कराई है मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि इसमें कर दी उसने गड़बड़, ठीक है। तो मैंने वीडियो देख के यूट्यूब पर ये पीपीएफ करवाया था, और ये पीपीएफ में भी टीपीएच एंड टीपीयू दो तरह के आते हैं। ये टीपीएच है, टीपीयू का जब मैंने उनसे बोला जो बेटर क्वालिटी होती है, तो बोला वो पेंट निकाल सकता है आपका, वो गाड़ियों के लिए होता है। तो वहाँ तो मैं उनकी बात से एग्री हो गया था, बट लास्ट में जब मैंने इंक्वायरी करी इस चीज़ के ऊपर तो मैंने सोचा टीपीयू करवाना चाहिए था, टीपीएच इतनी हाई क्वालिटी का नहीं होता। तो इसमें भाई उसने क्या क्या गड़बड़ करी है मैं दिखाता हूँ आपको। पहली बात तो ये थ्री पीस में लगाया, वो कहते हैं कि थ्री पीस में लगेगा, सिंगल पीस में नहीं लगेगा। तो भाई अगर किसी की बाइक पे वन पीस में लगा हुआ है ये, तो मुझे बताना कमेंट में ज़रूर कि वन पीस में भी ये हो सकता है या नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं यहाँ से एक लेयर है, ये वाली ये लाइन दिख रही है वन पीस, और ये वाला सेकंड पीस है, ये लाइन दिख रही है आपको, और थर्ड पीस इधर है। तो तीन पीस में हुआ है ये, यहाँ पर हुआ है, साइड पैनल्स पर हुआ है। साइड पैनल अभी मैं दिखा नहीं सकता, बैग्स लगे हुए हैं पैनल, और काउल पर हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो गड़बड़ क्या करी है उसने, ये देखो अंदर आपको दिख रहा होगा ये बाल टाइप या धागा टाइप जो भी है, ये अंदर उसने छोड़ दिया है, ठीक है। ऊपर से बाइक पर उसने स्क्रैच भी मार दिए हैं थोड़े से, जब उसने चाकू चलाया था तो आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये आप अपनी बाइक पे बहुत एहतियात से करवाएं। और उसके ऊपर इसने यहाँ पर ये एक और पतली सी लेयर चढ़ाई है, और उसने बोला है कि एक महीने के बाद उतारनी है वाली लेयर, ठीक है, ताकि अच्छे से पकड़ कर दे। तो भाई ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और इसमें क्या स्टिकर आते हैं, तो इसमें थोड़े थोड़े बबल रह जाते हैं, आप देख सकते हैं ये बबल्स रह गए। तो ये है, तो यहाँ एक गड़बड़ करी है उसने, ऊपर से इधर एक कट मार दिया था, और यहाँ पर भी उसने बबल छोड़ दिया एक, और मेरे को बोला ये धूप में सब सही हो जाएगा। खैर धूप में बाइक खड़ी भी नहीं करी है, तो एक तो ये गड़बड़ करी है। बाइक का टैंक उसने अच्छे से साफ नहीं किया, मैंने बोला भी था, बट ऐसा ही काम था उनका। और काउल पे भी बहुत ख़राब किया है पीपीएफ, ये दिख रहा है आपको ये निशान कैसे पड़ रहे हैं, ठीक है। और काउल पर, साइड पैनल्स पर, और ये वाला जो फ्रंट मडगार्ड है इस पर किया था, और इसका तो अभी से यहाँ से उतरने लग गया है, देख रहे हैं, देखो यहाँ से भी निकल रहा है। तो ये कहानी, अब इसकी मैं आपके आपको बता देता हूँ किस प्राइस में मैंने ये कराया है। ये करोल बाग से कराया, ये मैंने कराया है 3500 में, 3500 रुपये में कराया दोस्तों, ये थ्री पीस में कराया, टीपीएच पीपीएफ, ठीक है। और बिल्कुल भी इससे संतुष्ट नहीं हूँ मैं, तो भाई पीपीएफ के ऊपर मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, दुकान का भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो भाई अपनी बाइक का नई का आप थोड़ा देख के सोच समझ के जांच पड़ताल करके करवाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इसने टेप वेप लगा रखी है, लेयर लगा रखी है, बोलता है एक महीने के बाद निकालना है इसको। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना ये थोड़ा पैटर्न, वीडियो में पता नज़र आ रहे कि नहीं आ रहे। तो बहरहाल बिल्कुल भी बढ़िया नहीं किया उन्होंने, अब इसको चलने देते हैं, अब इसका अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, जब तक है, जब नेक्स्ट टाइम कराएंगे कभी तो इस बार सोच समझ के कराएंगे, बढ़िया जगह से कराएंगे। और 3500 रुपए में कराया वो भी आप बताना कि रेट जायज़ है नहीं है, जिस भाई ने पहले कभी कराया, ठीक है, मैंने ज़्यादा दिए कम दिए, तो ये है कहानी इसकी। तो ये बाल है या क्या है, धागा है जो भी, इसको भी हम निकालने की कोशिश करते हैं सुई से।
तो भाई ये एक आलपिन और इससे भी निकालने की कोशिश करते हैं इस वाले बाल को, बाल है या धागा जो भी है, निकलता है या नहीं। बाकी काम संतुष्टि वाला नहीं किया उसने बिल्कुल भी ना, सारा गड़बड़ हो गया बाइक पे। भाई ये तो मुझे लग रहा है बिगड़ेगा, पीपीएफ ही खराब हो जाएगी आपके। ये तो पेंट खराब होगा और ये निकलेगा नहीं, रहने दो। तो भाई ये निकल नहीं पाएगा, ये तो गड़बड़ कर दी उसने। और मुझे लगता है पेंट तो नहीं निकल गया गाड़ी का। चलो छोड़ो इसको, अब यहाँ वाला बबल निकालते हैं। इधर आ, इस साइड से बबल, ये वाला बबल में छेद करके ये बड़ा गलत काम हो गया। तो ये बबल तो मेरे ख्याल से हो गया है ना सेट। हाँ बबल सही हो गया, बबल सही हो गया। इसको भी सेट कर देते हैं, बबल तो थोड़ा सेट हो गया है यहाँ से। और कहीं तो नहीं है, यहाँ भी देख उसने छोड़ा है थोड़ा सा, देख बाल दिख रहा है इसमें। ठीक, ये डायल्स पर भी पीपीएफ की फिल्म चढ़ाई थी उन्होंने, देखो ये कितनी ख़राब चढ़ाई है, देख रहे हो। इसमें अभी से ही गन भर गया है और कटिंग भी अच्छे से नहीं की। और भाई जिस भाई को इस बारे में अच्छी नॉलेज है वो शेयर करें ज़रूर कमेंट में, ताकि और भाइयों को भी पता लगे। तो दोस्तों जो इरेगुलरिटीज थी पीपीएफ में जो मैंने आपको दिखाई थी अभी सारी, वो सारी ठीक हो रही हैं। सचिन भाई के पास हम दोबारा आए और यहाँ पर जो धागा था, बाल था, जो भी था, ये सारा निकाल दिया ये वाला पोर्शन, और ये दोबारा लगा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ से भी मैंने आपको दिखाया था ये ख़राब है सारा, तो ये वाला भी पोर्शन सारा निकाल दिया इन्होंने। इसके अलावा ये वाला भी ठीक हो जाएगा। तो बहरहाल जो भी कमी रह गई थी, ये उस दिन थे नहीं शॉप पर, तो जो लड़के थे उन्होंने किया था काम, तो अब उनके हाथ में इतनी सफाई थी नहीं, तो भाई ने अभी मुझे दोबारा बुला लिया है और ये सारी चीज़ें जो इसमें अच्छे से नहीं हो पाई वो दोबारा से निकाल के दोबारा फिट कर रहे हैं काम। जहाँ जहाँ ख़राब थी पीपीएफ वहाँ से निकाल के भाई दोबारा लगा रहा सारी जगह। तो ये जो कमी थी सचिन भाई ने पूरी कर दी है सारी। और दुकान का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैंने बताया नहीं था आपको, करोल बाग फैज रोड। तो ये जो कमी थी इसमें सारी पूरी हो गई है, ये वाला पैनल पूरा बदल दिया है। एंड इसके अलावा इसमें भी थोड़ी सी कमी थी, टेप वेप साइड से दिख रही थी, वो भी पूरी हो गई है। ठीक है, तो काउल मैंने थोड़ा चेंज नहीं कराया बिकॉज स्टिकर हटाने पड़ते। बाकी जो भी टाइल में भी थोड़ी सी कमी थी वो भी सारे निकाल के दोबारा लगा दिए हैं। वाइज़र पे भी भाई ने दोबारा ऐड कर दिए फिल्म। ठीक है, और यहाँ भी दोबारा से कर दिया है, काम हो गया पक्का। अभी फिलहाल मैं संतुष्ट पूरी तरह से। ये दुकान आप देख लो एक बार।